एवरी मॉर्निंग आपके पेरेंट्स को कार, स्कूटर या बाइक में ऑफिस जाना होता है, आप लोगों को स्कूल में आना होता है स्कूल बस में करके। हैव यू एवर वंडर्ड कि ये जो कार, स्कूटर, बाइक्स हैं जिन्हें चलने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है, और आपका स्कूल बस जिसे चलने के लिए डीजल की जरूरत होती है, ये पेट्रोल और डीजल आखिर आते कहाँ से हैं? ओके, हम लोग पेट्रोल पंप में जाके इन्हें भर लेते हैं, लेकिन पेट्रोल पंप में ये ऑयल्स कहाँ से आते हैं? व्हाट इज द सोर्स जहाँ से ये सब प्रोड्यूस होता है? पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम, जो एक फॉसिल फ्यूल है जिसे अर्थ के नीचे से एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो आज के इस क्लास में हम ये जानेंगे कि पेट्रोलियम को अर्थ के नीचे से कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, पेट्रोलियम के अंदर से जो उसके डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स है जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल थिंग्स, ये सब कैसे हमें मिलता है। वी विल डिस्कस ऑल अबाउट दीज थिंग्स इन डिटेल इन आवर टुडेज टॉपिक पेट्रोलियम एंड द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम इन आवर एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री कोल एंड पेट्रोलियम। हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रेरणा शर्मा और स्वागत है आप सभी का मेन टॉक इंडिया चैनल में, जहां पे हम पिक्चर्स, वीडियोस एंड नोट्स के साथ हमारे सभी चैप्टर्स को समझते हैं। सो वी आर स्टडिंग अबाउट फॉसिल फ्यूल्स और हम कोक के बारे में ऑलरेडी डिटेल में सब कुछ पढ़ चुके हैं इन अवर प्रीवियस क्लासेस। कोल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डेड वेजिटेशन, दैट इज प्लांट ऑर्गेनिक मैटर्स, जिसका मिलियंस ऑफ ईयर्स तक स्लो डिकम्पोजिशन होते होते एक रॉक हार्ड सॉलिड सब्सटेंस बन जाता है, जिसे हम कोल कहते हैं। और इसी कोल से हमें आगे चल के कोक, कोल गैस, कोल टार एंड अमोनिया लीकर जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स मिलते हैं। अनदर टू वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल्स आर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये भी फॉसिल इसलिए है बिकॉज वी ऑब्टेन दीज फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट रिमेन्स अंडर द सी। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस एग्जिस्ट इन द सेम प्लेस। तो ये जो वर्ड है पेट्रोलियम, ये दो शब्दों से आया है। फर्स्ट इज द पेट्रा, इट इज द ग्रीक वर्ड, पेट्रा मीन्स रॉक्स, एंड द सेकेंड वर्ड इज ओलियम, इट मीन्स ऑयल। तो जो ऑयल हमें रॉक्स के बीच में से मिलता है उसे हम कहते हैं पेट्रोलियम। डीप अंडर द सी, समुद्र के नीचे के पत्थरों से हम इसे एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालते हैं। जैसे पेट्रोलियम का एक्सट्रैक्शन होता है, वैसे ही नेचुरल गैस को भी हम जमीन के नीचे से, अर्थ क्रस्ट के अंदर से एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालते हैं। नेचुरल गैस भी एज अ लेयर पेट्रोलियम के ऊपर ही हमें मिलता है। नाउ दिस नेचुरल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी इंपॉर्टेंट गैसेस। द कॉमन गैसेस आर मीथेन, ईथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। दीज गैसेस आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये बहुत ही क्लीन होते हैं। एंड ऑल्सो दीज गैसेज आर कम्बस्टिबल, यानी कि ये आग पकड़ लेते हैं, और आग पकड़ लेते हैं मतलब हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे हमारे घरों में जला के खाना बनाने के लिए। एंड बिकॉज दिस गैस इज प्रोड्यूस्ड इन नेचर नेचुरली, इसीलिए इसे नेचुरल गैस बोला जाता है। नाउ लेट्स डिस्कस हाउ द पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड। हमारा प्यारा कोल जैसे डेड ऑर्गेनिक मैटर, डेड प्लांट मैटर से बना था, वैसे ही पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। अब समुद्र के नीचे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें प्लांट्स भी आ जाते हैं और उसमें एनिमल्स भी आ जाते हैं। जैसे कोल के फॉर्मेशन में सिर्फ और सिर्फ डेड वेजिटेशन, डेड प्लांट्स का रोल था, पेट्रोलियम के फॉर्मेशन में प्लांट्स और एनिमल्स दोनों का ही रोल है। So because petroleum and natural gas are formed by the dead remains of plants and animals, they are called fossil fuels. So just like the formation of coal, ये बात है around 300 to 400 million years ago. समुद्र के नीचे जितने भी animals रहा करते थे, animals and plants, समय के साथ साथ उनकी death होती थी, और जब उनकी death होती थी तो वो sea bed पे under the ocean, जहाँ पे soil की layer होती है, वहाँ पे एक के ऊपर एक वो दबते चले जाते थे। और जैसे ही प्लांट एंड एनिमल्स की डेड बॉडीज सी बेड पे एक लेयर बनाती थी, उनके ऊपर सॉयल और क्ले का इस तरीके से लेयर बनता जाता था। सॉयल एंड क्ले का डिफरेंट लेयर्स जब एक के ऊपर एक जमता जाता था, तब उससे कुछ कंडीशंस अराइज होते थे। हाई टेम्परेचर इनसाइड द लेयर्स, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि हवा इतना नीचे तक पहुंच नहीं पाती थी। ड्यू टू ऑल दीज रीजंस वहां पे प्रेशर भी हाई हो जाता था। नाउ यू ऑलरेडी नो, जब भी डेड प्लांट्स या फिर डेड एनिमल्स पे हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड एब्सेंस ऑफ एयर का कंडीशन बनता है, तो धीरे धीरे करके अबाउट मिलियंस ऑफ ईयर्स इट टेक्स इन अ स्लो प्रोसेस इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फॉसिल फ्यूल। और समुद्र के नीचे यही सारे एनिमल्स और प्लांट्स के डेड रिमेन्स स्लोली स्लोली पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो गए। अब धीरे धीरे करके उनमें से कुछ सी जो है, समुद्र जो है, वो सूखने लगे, ड्राई अप हो गए। तो आज जब हम ऑयल का एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो इस तरीके से लार्ज एरिया पे
ऑयल को डिग करके एक्सट्रैक्ट किया जाता है, या फिर समुद्र के ऊपर कुछ हाई टेक्नोलॉजी का यूज करके अंडर द सी डिग करके फिर एक्सट्रैक्शन किया जाता है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का। हियर इन आवर टेक्स्ट बुक फिगर 3.4 हमें ये दिखाता है कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस डिपॉजिट बिटवीन द लेयर ऑफ द रॉक्स हमें किस तरीके से मिलते हैं। सो लाइक वी डिस्कस्ड, पेट्रोलियम जो शब्द है वो पेट्रा और ओलियम से आया है। पेट्रा मीन्स रॉक, ओलियम मीन्स ऑयल। ऑयल हमें रॉक्स के बीच में से मिलता है, वो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस होता है। इन्हीं रॉक्स के बीच में से ड्रिल करके पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नाउ इन आवर फिगर 3.4 द फर्स्ट टाइप ऑफ रॉक इज इम्परवियस रॉक, या फिर इसे इम्परमिएबल रॉक भी बोलते हैं। एंड द सेकेंड रॉक इज द रिजर्वायर रॉक, दैट इज पोरस सेडिमेंट्री रॉक। इन दोनों रॉक लेयर के बीच में हमें पेट्रोलियम की लेयर एंड नेचुरल गैस की लेयर इस तरीके से मिलती है। इम्परमिएबल रॉक का मतलब है नॉन पोरस, जिसमें कोई भी होल्स ना हो, कोई भी पोर्स ना हो, जहां पे कोई भी चीज ऊपर से नीचे नहीं आ सकती। एंड दैट इज वाई ये गैस यहीं पे ट्रैप हुए रहते हैं, यहां से बाहर नहीं जा पाते। और नीचे की तरफ जो रॉक होते हैं, दैट इज द रिजर्वायर रॉक, दे कंटेन द पेट्रोलियम लेयर। ये पेट्रोलियम को होल्ड करके रखते हैं, पेट्रोलियम को रिजर्व करके रखते हैं। नाउ हियर वी कैन सी थ्री टाइप ऑफ लेयर्स। एक हमारे पास वाटर का लेयर है, उसके ऊपर ऑयल का लेयर है, ऑन टॉप ऑफ दैट वी हैव आवर गैस लेयर। ये तीनों चीजें कभी भी आपस में मिक्स नहीं होती, दे आर इमिसिबल बिकॉज दे हैव डिफरेंट डेंसिटीज। अब देखिए, वाटर एंड ऑयल कभी भी मिक्स नहीं होते, इसका एक्सपेरिमेंट आपने ऑलरेडी किया है। बिकॉज वाटर का डेंसिटी ज्यादा है, वो नीचे की तरफ रहता है, ऑयल का डेंसिटी कम होता है तो ये ऊपर ऊपर तैरता है। एंड सिमिलरली गैस की डेंसिटी उससे भी कम होती है, तो इसकी लेयर ऊपर ही पाई जाती है। दिस गैस शोज द नेचुरल गैस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर कैन वी फाइंड पेट्रोलियम। वर्ल्ड का जो सबसे पहला ऑयल वेल ड्रिल हुआ था, वो हुआ था पेंसिल्वेनिया इन द USA इन 1859। एंड देन अबाउट 8 years लेटर इन 1867 ऑयल वॉज स्ट्रक इन माकुम इन आसाम, जिस जगह पे पहले कभी समुंदर हुआ करते थे, लेकिन अभी वहाँ पे पानी सूख चुका है। ऐसे जगहों के नीचे से जब हम ऑयल को एक्सट्रैक्ट करके निकालते हैं, उसे ऑयल फील्ड बोला जाता है। These type of machines are used to extract the oil. In India, oil is found in Assam, Gujarat, in the coast of Mumbai and river basins of Godavari and Krishna. Large deposit of petroleum समुंदर के नीचे भी पाए जाते हैं, और उसे extract करने के लिए इस तरीके की high technology का use किया जाता है। अब देखिए, क्योंकि पेट्रोलियम से हमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल्स मिलने वाले हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इतने सारे मिक्सचर होने की वजह से इसे क्रूड ऑयल भी बोला जाता है। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। अभी हमें पेट्रोलियम के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग करना है। हाउ डू वी डू दैट? इन द रिफाइनिंग प्रोसेस वी डू दैट। पेट्रोलियम इज अ वेरी डार्क ऑयली लिक्विड एंड वेरी अनप्लेजेंट ऑडर, वेरी बैड स्मेल, बिकॉज इट इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइक द पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, केरोसिन, जिसे हम पैराफिन भी बोलते हैं, वैक्स एक्सेट्रा। और ये सब चीजें हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, जस्ट लाइक द गोल्ड, बिकॉज ये इतना कॉस्टली है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वैल्यूएबल। उसी तरीके से पेट्रोलियम भी बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, काले रंग का है, इसलिए हम इसे ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स में हम कैसे इसे अलग करेंगे, हाउ डू वी रिफाइन देम? इसे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है रिफाइनरीज में। रिफाइनरी एक ऐसी जगह होती है जहां पे क्रूड ऑयल को, पेट्रोलियम को प्रोसेस किया जाता है उसके अलग अलग पार्ट्स में, उसके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग करने के लिए। सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कि फ्रैक्शंस ऑफ द पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग, एंड इट इज डन इन द पेट्रोलियम रिफाइनरी। इट इज द सिंगुलर वर्ड एंड द प्लूरल वर्ड इज रिफाइनरीज। इन द रिफाइनरीज द पेट्रोलियम इज सब्जेक्टेड टू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो पेट्रोलियम में जो अलग अलग चीजें हैं, मुझे इन सब चीजों को अलग करना है, सेपरेट करना है, ताकि हम इसे अलग अलग यूज कर पाए। और इस तरीके से कंस्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करने के प्रोसेस को ही हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, जो किया जाता है रिफाइनरीज में। अब ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता कैसे है? द फर्स्ट स्टेप इज क्रूड ऑयल इज सेंट इन टू अ फर्नेस, जहां पे इसे बहुत अच्छे से हीट किया जाता है। फर्नेस एक ऐसी जगह होती है जहां पे आग से हीट जनरेट किया जाता है। द क्रूड ऑयल इज हीटेड, द पेट्रोलियम इज हीटेड टू अ वेरी हाई टेम्परेचर। एंड देन व्हाट्स नेक्स्ट? कैसे हम किसी चीज को गर्म करके उसके अलग अलग पार्ट्स को सेपरेट कर सकते हैं? लेट अस नो दिस इन डिटेल्स इन आवर नेक्स्ट पार्ट। सो स्टे ट्यून्ड, वी विल मीट वेरी सून। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।